हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम वी. दिस इज हिमानी. सो गाइस, आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है एंड अब वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. उस तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आई एग्जाम भी आपके लिए ये सीरीज लेकर आया है एंड उसमें आज हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एंड जो आपका पहला इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू द फार्मर्स एंड फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स. ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज केवीके. ओके, सो केवीके एस्टैब्लिश हुआ था आपका एंड ये कौन सी कमिटी थी, दैट इज डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमिटी. ओके, मोहन सिंह मेहता कमिटी. एंड जो पहला केवीके एस्टैब्लिश हुआ था दैट वाज पॉन्डिचेरी अंडर टीएनयू कैंपस. ओके, एंड करेंटली अभी आपके कंट्री में अप्रोक्सीमेटली कितने केवीके हैं, दैट आर 731 एंड 11 अटारी जोन्स हैं. ओके, तो ये है आपका वो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे. एंड यहीं पर जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज आल्सो फ्रॉम केवीके कि फर्स्ट केवीके कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, तो दैट वाज इन पॉन्डिचेरी जिसको आप अभी क्या बोलते हैं, पुदुचेरी कहते हैं, अंडर टीएनयू कैंपस. ओके, नाउ केवीके की बात की है तो अभी जान लेते हैं केवीके के कुछ फीचर्स. तो द फर्स्ट केवीके वाज स्टैब्लिश इन 1974. ठीक है, एंड इसको किसके अंडर इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, दैट इज अंडर टीएनयू. ठीक है, तो अभी क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है केवीके. बेसिकली केवीके क्या है, आपका फार्म साइंस सेंटर जिसको आप क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं. ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र में क्या होता है, जो आपका रिसर्च बेसिकली ये क्या है, रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज को स्ट्रेंथन करने के लिए. ठीक है, जो आपकी रिसर्च है वो सिर्फ लैब तक सीमित ना रहे, उसका एडवांटेज बेसिकली जिनको मिलना चाहिए उनको प्रॉपरली मिले, दैट इज फार्मर. ठीक है, तो फार्मर को प्रॉपरली उसका एडवांटेज मिले. सो दैट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केवीके. इसमें इनकी जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है दैट इज ऑन फार्म रिसर्च. आप फार्मर के फील्ड पर जाकर क्या कर सकते हैं, रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं. जो आपके केवीके एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, केवीके पर्सनल होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो फार्मर्स के फील्ड पर जाकर रिसर्च कंडक्ट कराते हैं या फिर केवीके के खुद के क्या होते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं. ठीक है, इन सर्विस ट्रेनिंग मीन्स केवीके पर्सनल की भी ट्रेनिंग की जाती है, वो इन सर्विस आपकी क्या करते हैं, विद इन द सर्विस आपका ट्रेनिंग चलता रहता है. वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, फार्म वुमेन एंड रूरल यूथ. ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ताकि वो अपना लिवलीहुड सस्टेन कर सके. जो आपके विलेजर्स हैं, जो आपका फार्मर है, जो आपके रूरल वुमेन्स हैं, वो अपने आप को सस्टेन कर सके, इसलिए उनको क्या की जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. जैसा आपने देखा होगा कि पीएचडी से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एपिकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो दैट इज द वोकेशनल ट्रेनिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन अदर एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी उनसे, ये भी आपकी क्या है, केवीके की एक्टिविटी है. ठीक है, नाउ आपका फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली. ओके, सो बेसिकली इसको मूव करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज एक्सटेंशन इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो एक्सटेंशन बेसिकली आपकी होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्सटेंशन किस टाइप की एजुकेशन है, तो बेसिकली दैट इज नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन. ये आपकी इनफॉर्मल नहीं होती है, बल्कि कौन सी एजुकेशन होती है, दैट इज नॉन फॉर्मल. अब आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है जो आपके इंस्टीट्यूशन में रन की जाती है, जैसे कि आपके स्कूल कॉलेजेस. ठीक है, जिसमें एक सेट करिकुलम चलता है एंड एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वर्क करता है. उसमें जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, और बेसिकली एक आपका टीचर आप प्रोफेसर कह सकते हैं, जिनके थ्रू आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपको एडवाइजरी जारी करते हैं. ठीक है, वेयर इज इन केस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, टू वे कम्युनिकेशन का, इसमें टू वे लर्निंग होती है. ठीक है, आप फार्मर से कुछ सीखते हैं, फार्मर आपसे कुछ सीखता है. इसमें क्या होता है, कुछ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग की हम जब बात करें हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वर्कशॉप्स के. ठीक है, तो कुछ सर्टिफिकेट और कुछ नॉन सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको
इसमें देखने को मिलेंगे. वेयर इज आपकी जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो होती है आपकी थ्रू आउट द लाइफ. आप जो भी गेन करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने एल्डर से जो भी सीखते हैं, अपने माता पिता से जो भी सीखते हैं, दैट कम्स अंडर योर इनफॉर्मल एजुकेशन. ठीक है. एंड जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है दैट कम दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ओके. एक्सटेंशन का मतलब ये होता है आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. ओके. नाउ इसमें जो आपके पास स्टेटमेंट दी है, फिल्म शो इज एन ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है. फिल्म स्ट्रिप में आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. ठीक है. टीवी एंड रेडियो आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि मास तक पहुंचने का एक तरीका है टीवी एंड रेडियो. नेक्स्ट इज टी एन वी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1970. ठीक है, तो ये गलत है आपका स्टेटमेंट. टी एन वी एक्चुअली जिसको आप क्या कहते हैं, बेस्टर एंड बेन्योर सिस्टम कहते हैं, जिसका मतलब जिसमें दो कॉम्पोनेंट है, एक क्या है ट्रेनिंग एंड विजिट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका साइंटिस्ट है उससे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है आपके रिसर्च वर्कर को, या फिर आप जिसे कहते हैं एक्सटेंशन वर्कर. एंड एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है, उस रिसर्च को, उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करता है किसको, फार्मर को. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका लिंकेज होता है. एंड ये आया था आपका 1974 में. ठीक है, तो पहले यहाँ पर इसराइल में आया था, इन इंडिया में 1974 में आया था. ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दैट आर वन एंड टू ओनली. ओके. तो आपके जो ऑडियो विजुअल में एड्स ऑफ कम्युनिकेशन है दैट आर योर रेडियो, सॉरी दैट आर योर टीवी, पपेट शो आपने देखा होगा, तो दैट आर योर ऑडियो विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, जो आपके रेडियो टेप रिकॉर्डर होते हैं ये होते हैं आपके ऑडियो मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. एंड विजुअल में जैसे आपके फ्लैश कार्ड, स्लाइड्स, ये आते हैं आपके विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में. ठीक है, वैसे ही जब आप कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो इसमें आता है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मैथड, ग्रुप एंड मास कॉन्टैक्ट मैथड. ठीक है, तो आप बेसिकली ये होते क्या है. ठीक है, तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मैथड होता है जब फेस टू फेस या फिर पर्सन टू पर्सन बात की जाती है. कम्युनिकेशन किसके बीच में होती है, दो लोगों के बीच में होती है. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि आपने सुना होगा टेलीफोनिक कॉल्स. ओके. जो इसमें पर्सन टू पर्सन क्या होती है, कॉन्टैक्ट होती है. वेयर इज आपका क्या होता है, फिर इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, फिर आता है ग्रुप कॉन्टैक्ट. ग्रुप कॉन्टैक्ट में क्या होता है, दो या टू से थर्टी तक के जो पर्सन इन्वॉल्व हैं दैट कम्स अंडर योर ग्रुप कॉन्टैक्ट मैथड. ओके. वेयर इज जो आपका क्या होता है, मास कॉन्टैक्ट, मतलब आपने मास को डील करना है. ठीक है, तो इसमें आपके रेडियो टेलीविजन ये सब आते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ आत्मा इज. सो बेसिकली आत्मा क्या होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट पे रजिस्टर्ड बॉडी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर्ड बॉडी होती है. इसमें जो फंडिंग शेयर की जाती है वो कितनी होती है, 90:10 का होता है. तो 90 आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है एंड 10 आपका स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है. ओके. एंड ये आया था आपका 2005 में. ओके. सो बेसिकली जो आत्मा की फुल फॉर्म होती है वो होती है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. ठीक है, एंड इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर. ओके. सो दैट वॉज अबाउट आत्मा. नेक्स्ट इज योर अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज शुड बी. तो बलवंत राय मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग पंचायती राज को क्या होना चाहिए. ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले पंचायती राज के बारे में कुछ जान लेते हैं. बेसिकली पंचायती राज क्या है, थ्री टेयर स्ट्रक्चर है. अब थ्री टेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, जैसे जो आपके इटावा पायलट प्रोजेक्ट थे, कम्युनिटी सीडीपी आपने पढ़ा है, तो ये इनकी फेलियर के बाद आपका कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ये आपके रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे. तो जब ये प्रोजेक्ट फेल हो गए तो गवर्नमेंट ने बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट किया. अब बलवंत राय मेहता ने, ये कमेटी ने क्या किया, ऑब्जर्व किया. एंड ऑब्जर्व करने के बाद किसके लिए बोला, क्रिटेस स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने के लिए बोला. तो इनका जो मेन मोटा था दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को बांट देना. ठीक है, जैसे आपने कॉलेजेस में देखा होगा कि डीन है, डीन के नीचे एचओडी है, एचओडी के नीचे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ऐसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, रजिस्ट्रार है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग पार्ट बांट दिया गया है. तो ऐसे ही जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड थ्री टियर सिस्टम की डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. अब किन तीन टियर में डिस्ट्रीब्यूट करिए, वो होते हैं आपके, एक होता है विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब इन तीन में कैसे सेटअप है, तो विलेज लेवल पर होती है आपकी ग्राम पंचायत. ठीक है, ये आपकी ग्राम सभा भी हो सकती है, मतलब आपकी अगर विलेज की पॉपुलेशन कम होती है तो दो तीन विलेजेस को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज ग्राम पंचायत. ठीक है, जिसका जो लीडर होता है उसे आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जिसे आप ग्राम प्रधान कहते हैं. ओके.
वेयर जो आपका पंचायत समिति होता है दैट इज इन ब्लॉक लेवल, ओके, एंड जो जिला परिषद होता है दैट इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको आप डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो चुने हुए लीडर्स जाते हैं वो फिर अपना एक लीडर चुनते हैं जो आपका जिला परिषद का हेड होता है, ठीक है। पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जिला परिषद विल एक्ट एज द एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। आपका एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगी? पंचायत समिति करेगी, एंड एडवाइजरी मतलब एडवाइस देने का काम और सुपरवाइज करने का काम आपका जिला परिषद करेगा, ठीक है। अब आपकी एक और कमेटी आई, दैट इज अशोक मेहता कमेटी, जिन्होंने क्या करा, दो टू टेयर के लिए एडवाइस किया, ठीक है, दो टेयर सिस्टम के लिए। थ्री टेयर सिस्टम शुड बी रिप्लेस विद द टू टेयर सिस्टम। तो वो दो टेयर सिस्टम क्या है, एक है जिला परिषद जो कहाँ पर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड द मंडल पंचायत दैट इज अ ग्रुप ऑफ विलेज, ओके। सो वो बेसिकली जो अशोक मेहता कमेटी थी दैट इन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट टू टेयर सिस्टम। अब ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि कौन सा अमेंडमेंट था। एंड जो पंचायती राज था वो सबसे पहले कहाँ पर जो है एस्टैब्लिश किया गया, दैट वॉज इन नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है, एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थ्री टेयर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। आप अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, लोकल सेल बॉडी को इलेक्ट करिए, जिसको आप खुद से इलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप उनके पास आप अपनी प्रॉब्लम लेकर जाएं, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने लीडर्स को डायरेक्टली चुनते हैं तो उनके पास आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजी मिल सकता है। तो दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस आजादी आपको कब मिली, दैट इज इन 1947, ठीक है। तो उससे पहले के आपके कौन से प्रोजेक्ट थे, तो जो आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट था यह आया 1948 में अंडर एल्बर्ट मेयर, ठीक है। इससे जो आपके पर्सन एसोसिएटेड हैं वो आपको याद रखने हैं, दैट आर एल्बर्ट मेयर, ओके। नाउ कोऑपरेटिव मूवमेंट ये आया था आपका बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी से पहले। यह आया आपका 1904 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यह आया था आपका 2 अक्टूबर 1952 में। NES आया आपका 2 अक्टूबर 1953 में। एंड जो आपका HYV प्रोग्राम आया यह आया आपका 1966 में, ठीक है। तो बेसिकली जो HYV प्रोग्राम था ये फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन एक्सटेंशन टीचिंग में, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो बेसिकली जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो होता है आपका एडकास। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको एक टर्म याद रखनी है, दैट इज एडकास, ठीक है। तो एडकास क्या है, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर कन्विक्शन एक्शन सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आपने आपने किसी चीज के बारे में अटेंशन ली, फिर आपके आपका उसके प्रति क्या इंटरेस्ट जागा, दैट इज देन फिर डिजायर, फिर कन्विक्शन, फिर आपने एक्शन लिया, एंड लास्ट इज योर सेटिस्फेक्शन, ओके। सो बेसिकली अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर कन्विक्शन एक्शन सेटिस्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर, विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज अ वे ऑफ शोइंग पीपल द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रूव प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एक्सटेंशन टीचिंग मैथड है, ओके। सो पहला आपका मैथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, सर्कुलर लेटर, बोथ एन बी एन, ओके। सो बेसिकली मैथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, लेट से जो आपका क्या है एक्सटेंशन वर्कर है या फिर आपका KVK पर्सनल है, वो फार्मर फील्ड पे या फिर अपने रिसर्च फार्म में क्या करते हैं, मैथड को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मीन्स कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो वो फार्मर को कंडक्ट करके दिखाते हैं कि आप इसको ऐसे ऐसे परफॉर्म कीजिए। वेयर जो आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आपको क्या दिखाई जाती है, वर्क दिखाई जाती है। मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि आप ये इम्प्रूव्ड वेराइटी के सीड्स हैं, आप इनको इनकी सोइंग का कुछ मेथड आपको बताया गया या फिर आपको इनके बारे में बताया गया, ठीक है। फिर आपने इनको क्या करा, अपने फील्ड में प्लांट, जो फार्मर है इसने अपने फील्ड में सीड्स को सोइंग की इनकी, एंड फिर आपने रिजल्ट देखा, ठीक है। तो रिजल्ट देखा तो आपको पता चला कि एक्चुअली ये वर्थ इट है या नहीं है, ये इम्प्रूव प्रैक्टिस, मतलब हमने इसको इम्प्रूव करके लाया है, हमारे लिए ये इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट कम्स अंडर योर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। एंड सर्कुलर लेटर ये क्या है, आपका कम्युनिकेशन का एक
वे है. ओके सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. जहां पर भी किसकी बात की जाएगी, वैल्यू और वर्थ की बात की जाएगी, तो आंसर होगा आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होते हैं आपके अलग अलग में कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है, तो सोसाइटी में जो सबसे पहले किसी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं समथिंग न्यू, तो उनको कहा जाता है इनोवेटर, जो सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, जो कितने होते हैं 2.5%. अब आपने बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है. ठीक है, फिर इनोवेटर्स के बाद क्या आते हैं, अर्ली अडॉप्टर, जो इनको देखने के बाद अडॉप्ट करते हैं. इनको भी लगता है कि अब हमें ये टेक्नोलॉजी या फिर ये कोई नई जो इनोवेशन है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, तो ये है 13.5%, बिल्कुल सही है. अब आपके अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी, ये भी आपका याद रखना आसान है, कितना होता है ये 34-34 होते हैं. ठीक है, दैट आर 34-34. ठीक है, जो लेगार्ड्स होते हैं ये क्या होता है सोसाइटी में, वो लोग होते हैं जो किसी भी इनोवेशन को सबसे लेट अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, तो दैट आर 16%. ठीक है, तो ये कितने होते हैं 16 होते हैं, ढाई नहीं होते हैं 16 होते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि लेगार्ड्स कितने होते हैं 16% होते हैं. नेक्स्ट इज योर डीडी किसान. तो आपको डीडी किसान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एंड पूछा गया है कि डीडी किसान आपका कब लॉन्च हुआ. ठीक है, एंड ये क्या है आपका एक 24/7 चैनल है, 24/7 चैनल है, जो क्या डिसेमिनेट करता है, जिसका बेसिकली मोटो क्या है कि फार्मर को इंफॉर्मेशन मिलती रहे. ठीक है, एंड इसको लॉन्च किया था आपका पीएम नरेंद्र मोदी ने. ठीक है, एंड ये लॉन्च हुआ आपका मई 2015 में. ठीक है, सो मई 2015 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, एंड इससे पहले जो भी जो चैनल आपका चलता था दैट वॉज प्रसार भारती. ओके, प्रसार भारती सॉरी कृषि दर्शन. ठीक है, सो दैट इज रॉन्ग. जो आपका चैनल चलता था दैट वॉज कृषि दर्शन, जो लॉन्च हुआ था आपका 1967 में. ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, कृषि दर्शन जो आपका लॉन्च हुआ था 1967 में. ठीक है, एंड ये आपका डीडी किसान कब लॉन्च हुआ, मई 2015 में, जिसका जो मेन एम था कि फार्मर मतलब रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट में पहुंचना. ठीक है, मतलब दूर दराज से जितना भी आपका रिमोट एरिया हो, आपका फार्मर का मतलब फार्मर तक वहां पर वहां तक उसको टेक्नोलॉजी पहुंच पाए, ये बेसिकली एम था डीडी किसान का. ठीक है, जिसको किन्होंने लॉन्च किया था, दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च बाय आईसीआर एज अ पार्ट ऑफ इट्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन. ठीक है, तो आपको पता है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना है, 1928. अब गोल्डन जुबली कितनी होती है, 50 साल की, तो ये कितना हो जाएगा 1979. ओके, तो 1979 में क्या आया था, दैट वाज लैब टू लैंड प्रोग्राम. ठीक है, तो लैब टू लैंड प्रोग्राम जो था आपका, जिसका मेन एम क्या था कि जो आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है लैब में, वो कहाँ पर पहुंचे, फार्मर के लैंड तक पहुंचे. ठीक है, तो बेसिकली दैट वॉज द मोटो बिहाइंड द लैब टू लैंड प्रोग्राम. ओके, एंड ये बाकी आपके क्या है, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, केसीसी आर्या एंड एम किसान पोर्टल, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है. करेक्ट आंसर क्या है, लैब टू लैंड प्रोग्राम. एम किसान पोर्टल आपका एक पोर्टल है जिसमें जो क्या है कि एसएमएस सर्विसेज या फिर आपका टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फार्मर को. 2013 में ये स्टैब्लिश हुआ था, एंड इसमें क्या की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फार्मर को, ताकि उनको जो भी एडवाइजरी है वो मिल सके. ओके, नेक्स्ट इज योर पी आर ए स्टैंड्स फॉर. तो पी आर ए स्टैंड फॉर पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, सॉरी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो बेसिकली पी आर ए क्या होता है, पी आर ए का मतलब होता है कि आपकी वो कुछ मेथडोलॉजीज डेवलप की जाती हैं, जब आप फार्मर तक पहुंचे, आप किसी विलेज में गए एंड आपने वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब वहाँ की इंफॉर्मेशन लेनी है उन्हीं के द्वारा, दैट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड पी आर ए, दैट इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो. आप हमें आपकी जो क्वेरी है उसे आप लिख सकते हैं हमें hello@iexambi.com पे, या आप इस नंबर पे भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बींग इन द वीडियो. थैंक यू.